संदीप टीवी चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, बिकॉज मैं हर दिन डिफेंस से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। अगर आपने एडमिट कार्ड एयरफोर्स का अभी तक डाउनलोड नहीं किया हुआ है तो आप इसको डाउनलोड भी कर लीजिए। तो आज हम मॉक टेस्ट से रिलेटेड बात करने वाले हैं, सारे इंस्ट्रक्शन आपको बताने वाला हूँ। तो मॉक टेस्ट को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैंडिडेट्स में जाके कैंडिडेट सेक्शन में आके मॉक टेस्ट के ऊपर आप क्लिक कर लीजिए। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे तीन ऑप्शन ओपन हो जाएंगे, शेड्यूल टेस्ट फॉर एयरमैन रिक्रूटमेंट, XY, XX और YY कैटेगरी के सैंपल क्वेश्चन पेपर। तो चलिए इसमें से मैं कोई एक चूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं चूज़ कर रहा हूँ XY कैटेगरी सैंपल क्वेश्चन पेपर। आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं, तीनों का इंस्ट्रक्शन सेम होने वाला है और मॉक टेस्ट भी इसका सेम होने वाला है, बिकॉज ये मॉक टेस्ट यानी कि प्रैक्टिस टेस्ट होने वाला है और डेमो एग्जामिनेशन होने वाला है, जो कि आपका एग्जामिनेशन देने वाले हैं। तो इसमें से मैं कोई भी एक एग्जामिनेशन चूज़ कर लेता हूँ। तो चलिए मैं चूज़ कर लिया, ये देखिए मेरा क्लिक करते ही यहाँ पे देखिए लिख के आ रहा है हॉल टिकट नंबर एंड ईमेल आईडी, यहाँ पे लिख के आ रहा है, आपको सिंपली लॉगिन कर देना है। तो आपके लॉगिन करते ही देखिए यहाँ पे एक अच्छा सा इंटरफेरेंस खुल के आ रहा है, और ये इंटरफेरेंस है शेड्यूल टेस्ट फॉर एयरमैन रिक्रूटमेंट स्टार STAR, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप सारे इंस्ट्रक्शन आप रीड कर लीजिए, बिकॉज ये इंस्ट्रक्शन को रीड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आपको मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले देखिए फर्स्ट इंस्ट्रक्शन की तरफ, पहला जो इंस्ट्रक्शन लिखा है दोस्तों वो है डू नॉट क्लोज योर ब्राउजर एनी टाइम ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। इसका मतलब है जब भी आपका एग्जामिनेशन चल रहा है तो आप ब्राउजर को यानी जो आपका पेज है उसको क्लोज मत कीजिए, बिकॉज बहुत सारे लड़के क्लोज कर देते हैं पेज को और उनका एग्जामिनेशन बंद हो जाता है, फिर उनको एग्जामिनेशन टाइम स्टार्ट करने में बहुत सारा टाइम उनका वेस्ट हो जाता है। तो आप ये गलती दोहराने की कोशिश मत कीजिए एग्जामिनेशन के दौरान। जो सेकंड इंस्ट्रक्शन है दोस्तों वो है यू विल नॉट बी परमिटेड टू लीव द एग्जामिनेशन हॉल टिल कंप्लीशन ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि आपको एग्जामिनेशन हॉल छोड़ के जाने की अनुमति नहीं है जब तक आपका पेपर कंप्लीट नहीं हो जाता है, ठीक है दोस्तों। जो सेकंड इंस्ट्रक्शन है वो है जब तक आपका पेपर कंप्लीट नहीं हो जाएगा आपको एग्जामिनेशन हॉल छोड़ने की जरूरत नहीं है और नहीं आपको जाने दिया जाएगा। जो थर्ड इंस्ट्रक्शन है दोस्तों वो है दिस एग्जामिनेशन इज मीन टू इंडक्ट यू एज अ एयरमैन इन इंडियन एयरफोर्स, यू विल नॉट बी रिक्रूटमेंट एज अ पायलट नेविगेटर और एन ऑफिसर। इसका मतलब है दोस्तों कि यह परीक्षा आपको एयरमैन सिलेक्शन के लिए है इंडियन एयरफोर्स में, ना कि पायलट रिक्रूटमेंट नेविगेटर और ऑफिसर के लिए आपको ये सिलेक्शन हो रही है, ये सिर्फ एयरमैन सिलेक्शन है इंडियन एयरफोर्स की। जो फोर्थ इंस्ट्रक्शन है दोस्तों वो है चेक योर नेम हॉल टिकट नंबर एंड फोटोग्राफ एज बीइंग डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन, इन केस ऑफ एनी डिस्पेरेंसी रिपोर्ट द सेम टू इन्विजिलेटर इमीडिएटली। इसका मतलब है दोस्तों कि आपका जो नाम है, हॉल टिकट नंबर और फोटोग्राफ आपकी है जो डिस्प्ले होगी डेस्कटॉप के ऊपर जब आप एग्जाम दे रहे होंगे तो आप उसको चेक कर लीजिए। अगर उसमें किसी भी टाइप का गलती है दोस्तों तो आप जो इन्विजिलेटर रहेगा वहाँ पे जो अधिकारी रहेगा आप उसको डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कीजिए फटाफट, ठीक है। तो ये पांचवी इंस्ट्रक्शन की तरफ मूव करते हैं। तो पांचवा इंस्ट्रक्शन है एनश्योर टू फिक्स अ कलर फोटोग्राफ एंड साइन द अटेंडेंट शीट ब्रॉट बाय द इन्विजिलेटर ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, दिस फोटोग्राफ शुड बी द सेम एज दैट ऑफ सबमिटेड ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन। इसका मतलब है दोस्तों कि जो इन्विजिलेटर आपके सामने एक पेपर लेके आएगा जब आपकी एग्जाम स्टार्ट हो जाएगी अटेंडेंस के लिए, ठीक है, कि कितने बच्चे मौजूद हैं, तो वहाँ पे आपका कलर फोटोग्राफ होना चाहिए, साथ ही साथ आपका साइन भी होना चाहिए। अगर वहाँ पे कलर फोटोग्राफ या साइन में कोई प्रॉब्लम है रजिस्ट्रेशन के दौरान तो आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं वहाँ पे अधिकारी को। अब मूव करते हैं सिक्स इंस्ट्रक्शन की तरफ। जो छठी इंस्ट्रक्शन में दोस्तों लिखा हुआ है वो मैं आपको रीड करके दिखाता हूँ। तो अ फोर डिजिट सेशन आईडी इज डिस्प्लेड ऑन द राइट हैंड एंड टॉप ऑफ योर स्क्रीन इज टू बी नोटेड ऑन द अटेंडेंस शीट। इसका मतलब है दोस्तों कि स्क्रीन के ऊपर आपके राइट हैंड साइड पे आपके दाहिने तरफ पे एक सेशन आईडी लिख के आ रहा होगा, आपको वही सेशन आईडी आपके पेपर के ऊपर नोट करना है। तो जो भी बच्चों ने उस पेपर को जो सेशन आईडी है वो आपके अटेंडेंस शीट पे नोट नहीं किया तो आपको जो पेपर रहेगा वो कैंसिल हो सकता है। तो ये है छठी इंस्ट्रक्शन के अंदर यही लिखा हुआ है। अब मूव करते हैं सेवंथ इंस्ट्रक्शन की तरफ। तो सेवंथ इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है डू नॉट स्टार्ट द एग्जाम, डू नॉट क्लिक ऑन द स्टार्ट एग्जामिनेशन बटन टिल द टाइम इट्स टोल्ड बाय द इन्विजिलेटर, यानी कि आपको स्टार्ट एग्जामिनेशन बटन के ऊपर क्लिक नहीं करना है, तब तक क्लिक नहीं करना है जब तक आपका जहाँ पे अधिकारी रहेगा जो इन्विजिलेटर रहेगा जब तक आपको बोलेगा नहीं कि इसके ऊपर क्लिक करना है एग्जाम स्टार्ट करना है तब तक आपको क्लिक नहीं करना है। तो इस बात का आप ध्यान रखिए।
बिकॉज होता क्या है, बहुत सारे बच्चे टाइम से पहले ही स्टार्ट एग्जामिनेशन के ऊपर क्लिक कर देते हैं, तो होता क्या है इससे कि इंडियन एयरफोर्स का जो रिक्रूटमेंट ऑफिस है यानी कि जो एग्जामिनेशन सेंटर है जहाँ से ऑल ओवर इंडिया का पेपर रिलीज होता है, एट अ सेम टाइम जो भी आपका हॉल टिकट पे जो आपका टाइमिंग दिया हुआ है उसके अनुसार पेपर रिलीज होता है। तो इससे होता क्या है, जो बच्चों ने स्टार्ट द एग्जामिनेशन बटन पे क्लिक कर दिया होता है तो उनकी पेपर को लॉग इन करने में टाइम लग जाता है। तो इसके लिए इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है कि जब तक आपके इन्विजिलेटर बोले ना आपको स्टार्ट एग्जामिनेशन पे क्लिक करने के लिए, तब तक आप क्लिक मत कीजिए। सो इस बात का आप ध्यान रखिए। अब हम मूव करते हैं आठवीं इंस्ट्रक्शन की तरफ। तो आठवीं इंस्ट्रक्शन में दोस्तों लिखा हुआ है, मैं इसको रीड करता हूं साथ ही साथ आपको एक्सप्लेन भी करते जाऊंगा। तो आठवां इंस्ट्रक्शन में दोस्तों लिखा हुआ है, सिस्टम वुड ऑल्सो नोटिफाई यू अबाउट द स्टार्ट ऑफ ईच क्वेश्चन पेपर, स्टार्ट योर सेक्शन बाय क्लिकिंग स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर सेक्शन इमीडिएटली आफ्टर द रिसीविंग नोटिफिकेशन और इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द इन्विजिलेटर। इसका मतलब है दोस्तों कि जो कंप्यूटर स्क्रीन है वो आपको जब आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के लिए भी आपको नोटिफाई करते जाएगा, साथ ही साथ आपको जो आपका इन्विजिलेटर आएगा वो भी आपको नोटिफाई करते जाएगा कि आपको अब नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की यानी कि नेक्स्ट सेक्शन सॉल्व करने की जरूरत है जब भी आपका टाइम कंप्लीट हो जाएगा। अब हम मूव करते हैं नाइन्थ इंस्ट्रक्शन की तरफ। तो नौवां इंस्ट्रक्शन में दोस्तों लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन, सब्जेक्ट, मार्क्स, टाइम एंड देयर सीक्वेंसेस फॉर ईच ग्रुप इज गिवन बिलो। ओके, यहाँ पे तीन ग्रुप दिया हुआ है जैसे कि आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं रीड करके बताता हूँ कि ग्रुप एक्स वाई के अंदर क्या दिया हुआ है। तो ग्रुप एक्स वाई के अंदर सब्जेक्ट है, फिजिक्स सब्जेक्ट के अंदर आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे जो कि सीरियल नंबर क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 25 तक ये टोटली फिजिक्स के क्वेश्चन रहेंगे। इसके लिए आपको 25 नंबर अलॉट किए जाएंगे। इसका ड्यूरेशन एग्जामिनेशन यानी कि जो टाइम है आपको एग्जामिनेशन कंप्लीट करने का वो है 20 मिनट। उसके बाद आता है दोस्तों मैथ्स सेक्शन। तो मैथ्स के अंदर आपको 25 क्वेश्चन से लेके 50वीं क्वेश्चन तक यानी कि क्वेश्चन नंबर 26 से लेके क्वेश्चन नंबर 50 ये आपके पूरे मैथ्स के क्वेश्चन रहेंगे। इसके लिए आपको 25 नंबर दिए जाएंगे और आपको टाइम लिमिट दिया जाएगा 20 मिनट का। उसके बाद दोस्तों इंग्लिश सेक्शन के लिए क्वेश्चन नंबर 51 से क्वेश्चन नंबर 70 ये आपके इंग्लिश क्वेश्चन के रहेंगे और इसके लिए आपको 20 नंबर दिए जाएंगे। जो आपको टाइम लिमिट दिया जाएगा वो है दोस्तों 20 मिनट का। उसके बाद आता है दोस्तों आपका रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस, ये क्वेश्चन नंबर 71 से लेके क्वेश्चन नंबर 100 और इसके लिए आपको मार्क्स दिए जाएंगे 30 मार्क्स और इसका टाइम ड्यूरेशन रहेगा 25 मिनट्स का। तो ये क्वेश्चन पेपर एक्स वाई का टोटल होता है 100 मार्क्स का, ठीक है, इसके लिए आपको 100 मार्क्स दिए जाएंगे। जहां तक बात है ग्रुप एक्स एक्स की, तो यहां पे दोस्तों फिजिक्स सेक्शन क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 25 तक होने वाला है। इसके लिए आपको 25 नंबर दिए जाएंगे और जो आपको टाइम लिमिट दिया जाएगा वो है दोस्तों 20 मिनट का। उसके बाद दोस्तों मैथ्स सेक्शन आता है, ये क्वेश्चन नंबर 26 से लेके क्वेश्चन नंबर 50 तक होगा और इसके लिए आपको 25 नंबर दिए जाएंगे और इसके लिए आपको टाइम ड्यूरेशन दिया जाएगा 20 मिनट का। उसके बाद दोस्तों आता है इंग्लिश सेक्शन, तो इंग्लिश सेक्शन क्वेश्चन नंबर 51 से लेके क्वेश्चन नंबर 70 तक होंगे और इसके लिए आपको 20 नंबर दिए जाएंगे और इसके लिए आपको जो टाइम दिया जाएगा वो है दोस्तों 20 मिनट का। उसके बाद आता है ग्रुप वाई वाई यानी कि नॉन टेक्निकल ग्रुप और इसके लिए दोस्तों आपके लिए जो सब्जेक्ट है दोस्तों वो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 और इसके लिए आपको 20 नंबर दिए जाएंगे और जो टाइम लिमिट है दोस्तों वो है 20 मिनट का। और उसके बाद आता है रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस, ये क्वेश्चन नंबर 21 से लेके क्वेश्चन नंबर 50 तक होगा और इसके लिए आपको 30 नंबर दिए जाएंगे और इसके लिए जो आपको टाइम लिमिट दिया जाएगा वो है दोस्तों 25 मिनट का। इसके लिए आपको टाइम लिमिट दिया जाएगा फॉर ग्रुप वाई वाई। अब हम मूव करते हैं अगली इंस्ट्रक्शन की तरफ। तो अगली इंस्ट्रक्शन को मैं आपको दोस्तों रीड करके भी बताऊंगा साथ ही साथ आपको एक्सप्लेन भी करते जाऊंगा। इंस्ट्रक्शन कंप्लीट होते ही हम मॉक टेस्ट को भी लगाने वाले हैं ये तीनों ग्रुप के लिए। सो मेक श्योर आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो करिएगा ही। तो चलिए मूव करते हैं टेंथ इंस्ट्रक्शन की तरफ। तो दसवीं इंस्ट्रक्शन में दोस्तों लिखा हुआ है, टाइम रिमेनिंग विल बी डिस्प्लेड सब्जेक्ट वाइज अलॉन्ग विद द सब्जेक्ट नेम ऑन द टॉप राइट हैंड कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन वंस एग्जाम स्टार्ट। इसका मतलब है दोस्तों जो टाइम रिमेनिंग यानी कि जो टाइम डिस्प्ले आएगा वो राइट हैंड कॉर्नर पे आपको दिखा दिया जाएगा, हर एक सेक्शन के हिसाब से टाइम वाइज आपको राइट हैंड कॉर्नर में आते जाएगा। अब मूव करते हैं 11th इंस्ट्रक्शन की तरफ। तो 11th इंस्ट्रक्शन में दोस्तों लिखा हुआ है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट यू फाइंड मोर वेल सूटेबल फॉर ABCD। इसका मतलब है दोस्तों कि जो भी आंसर आपको ABCD में से यानी कि जो भी क्वेश्चन आपको MCQ में से राइट लगे आप उस पर टिक कर सकते हैं। अब मूव करते हैं 12th इंस्ट्रक्शन की तरफ। 12th इंस्ट्रक्शन में मार्किंग स्कीम लिखा हुआ है यानी कि आपको हर एक करेक्ट आंसर के लिए आपको एक मार्क्स दिया जाएगा और कोई भी क्वेश्चन अगर आप अनअटेम्प्टेड यानी कि उसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए आपको कोई भी नंबर काटे नहीं जाएंगे और नहीं आपको कोई भी नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। तो थर्ड इंस्ट्रक्शन दोस्तों सी पॉइंट लिखा हुआ है, वो लिखा है 0.25
मार्क्स विल बी डिडक्टेड फ्रॉम ईच रॉन्ग आंसर। इसका मतलब है दोस्तों कि जो भी आपने कोई भी गलत आंसर लिखा है तो उसके लिए आपको 0.25 मार्क्स कटेंगे जो भी आपने रॉन्ग आंसर लिखा हुआ है। तो ये है कुछ इंस्ट्रक्शन दोस्तों। अब हम लगाते हैं मॉक टेस्ट, तो चलिए इसको भी हम सॉल्व करते हैं। दोस्तों नीचे की तरफ देखिए एक इंस्ट्रक्शन लिख के आ रहा है, उसके ऊपर आप बॉक्स के अंदर क्लिक कर दीजिए और स्टार्ट द एग्जामिनेशन पे क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप स्टार्ट एग्जामिनेशन के पे क्लिक करेंगे दोस्तों, आपके सामने ऐसा इंटरफेरेंस कुछ खुल के आ जाएगा। तो इस इंटरफेरेंस यानी कि आपका अब एग्जामिनेशन स्टार्ट हो गया है, मॉक टेस्ट स्टार्ट हो गया है। ये मॉक टेस्ट वैसा ही होने वाला है जैसा आप एग्जामिनेशन देने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं फटाफट आपको। तो यहाँ पे देखिए आप दोस्तों ऑनलाइन एग्जामिनेशन एक्स वाई के जो राइट हैंड साइड पे जो लिख के आ रहा है ब्लू कलर का या रिमेनिंग टाइम, यहाँ पे आपका टाइम डिस्प्ले होगा। जो भी सेक्शन का आपको टाइम अलॉट किया जाएगा वो टाइम वहाँ पे लिमिट लिख के आ रहेगा। तो जैसे ही टाइम लिमिट खत्म हो जाएगा आपका क्वेश्चन पेपर वहीं पे खत्म हो जाएगा, यानी कि आपका क्वेश्चन पेपर वहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। उसके बाजू में देखिए दोस्तों सेक्शन आईडी लिख के आ रहा है, यानी कि सेशन आईडी, आपको जो सेशन आईडी लिख के आ रहा है आपको उसको वही सेशन आईडी आपको आपके अटेंडेंस शीट पे भी लिखना है, ठीक है। उसके बाजू में आपकी फोटोग्राफ आ रही होगी, उसके नीचे आपको सेक्शन वन या सेक्शन टू आप जो भी सॉल्व कर रहे होंगे वो लिख के आएगा। उसके बाद सेशन नेम यानी कि आप कौन सा सेक्शन सॉल्व कर रहे हैं, फिजिक्स सॉल्व कर रहे हैं, मैथ सॉल्व कर रहे हैं, इंग्लिश सॉल्व कर रहे हैं या फिर जीके सॉल्व कर रहे हैं, ये भी लिख के आएगा। आपके लेफ्ट साइड में बहुत सारे क्वेश्चन लिख के आ रहे होंगे, तो आप जिस भी क्वेश्चन के ऊपर आप करना चाहते हैं आप उस क्वेश्चन नंबर पे क्लिक कर सकते हैं, डायरेक्टली कंप्यूटर आपको उस क्वेश्चन पे रीडायरेक्ट यानी कि उस क्वेश्चन पे आपको पहुंचा देगा। आप जिस भी क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं आप उस क्वेश्चन पे क्लिक कर दीजिए, कंप्यूटर आपको उस क्वेश्चन पे पहुंचा देगा, या तो आप माउस के द्वारा स्क्रॉल डाउन करके भी यानी कि नीचे नीचे करके भी उस क्वेश्चन पे पहुंच सकते हैं। तो जैसा आपको प्रेफर लगे दोस्तों, जैसा आपको आसानी हो आप वैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आपको मैं एक क्वेश्चन दो तीन एग्जाम्पल सॉल्व करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर वन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर वन में दोस्तों लिखा हुआ है, अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विद एक्सेलरेशन ए, इफ इट्स वेलोसिटी गेट डबल देन फाइंड द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन। तो इसमें से एक ऑप्शन मैंने चूज किया, देखिए दोस्तों एक ऑप्शन, जैसे ही मैंने ये ऑप्शन चूज किया यहाँ पे ग्रीन कलर का टिक हो गया है, ठीक है। अगर आपको आपका आंसर बदलना है दोस्तों तो आप क्लियर आंसर पे जाके जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही ये देखिए पूरा वाइट हो जाएगा, देखिए पूरा वाइट हो गया। अब आप जाके कोई भी दूसरा आंसर भी यानी कि दूसरा ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने बी ऑप्शन चूज कर लिया। अगर आपको लगे अभी भी आपके आंसर में आपको संदेह है तो आप मार्क और रिव्यू पे क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप मार्क का रिव्यू पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो यानी कि जो क्वेश्चन नंबर वन है वो पर्पल कलर का टिक हो जाएगा। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर टू की तरफ। एक और आपको एग्जांपल मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। वेटलेसनेस ऑफ एन एस्ट्रोनॉट मूविंग इन अ सैटेलाइट इज अ सिचुएशन ऑफ, इसमें से एक और चार ऑप्शन दिए हुए हैं, आप कोई भी ऑप्शन अभी चूज कर लीजिए, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। तो एक ऑप्शन मैं यहाँ पे एक चूज कर ले रहा हूँ। तो देखिए जैसे मैं ऑप्शन को चूज करूंगा दोस्तों वैसे ही ये ग्रीन कलर का टिक हो जाएगा। तो देखिए आप देख सकते हैं इस वक्त ये ग्रीन कलर का टिक हो गया है, यानी कि जैसे ही आप ग्रीन टिक करेंगे, ग्रीन टिक का मतलब है दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे ही आप देखेंगे ग्रीन टिक हो रहा है तो यानी कि आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर दिया है, ठीक है। और जो भी अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन रहेगा जिसको आपने सॉल्व नहीं किया हुआ है वो एज इट इज रहेगा, यानी कि वो व्हाइट कलर में रहेगा। और जिस आंसर को आपने टिक किया हुआ है और मार्कर रिव्यू किया हुआ है वो पर्पल कलर का टिक हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ये आप ऊपर देख सकते हैं। तो जैसे ही आपका एग्जामिनेशन कंप्लीट हो जाए दोस्तों, आपकी पूरी एग्जामिनेशन कंप्लीट हो जाए तो आप नीचे देख पा रहे होंगे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, सबमिट योर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन। तो आप उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। याद रखिए क्वेश्चन पेपर जब आप सॉल्व कर रहे हैं, जैसे ही आपको लगेगा आपका पेपर आप सॉल्व हो गया है, आपको कुछ और चेंजेस नहीं करनी है तो ही आप क्लिक कीजिए। बिकॉज होता क्या है, बहुत सारे लड़के गलती से या पता नहीं कैसे बोलूँ मैं क्लिक कर देते हैं, मैंने देखा था एग्जामिनेशन के दौरान, तो उनकी पेपर वहीं पे सबमिट हो जाती है, ठीक है दोस्तों। तो ये आप गलती दोहराने की कोशिश मत कीजिए, तो इस गलती से आप ज़्यादा से ज़्यादा बचिए। तो जैसे ही आपका पेपर सॉल्व हो जाए आप उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे आपका पेपर सबमिट हो जाएगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड अभी भी आपके मन में कोई डाउट है, कोई संदेह है, तो आप अपने डाउट को जाके कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलना, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसी नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। सो जो भी व्यूअर्स अभी ये वीडियो देख रहे हैं और जो एग्जाम देने जाने वाले हैं उनको ऑल द बेस्ट, गुड लक। और मैं चाहता हूँ आप लोगों में से बहुत लड़कों की एग्जामिनेशन क्लियर हो जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपकी इन्फॉर्मेशन की लगी हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलना, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, बिकॉज मैं हर दिन डिफेंस से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, एंड इन द लास्ट, इफ़ यू हैव डिटर्मिनेशन टू वर्क हार्ड नोबडी कैन स्टॉप्स यू।